मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके, यानी आप मेरे वीडियो का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकें। साथ ही आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो के अंत में बेस्ट फ्रेंडशिप कोट्स भी दिए गए हैं तथा आपको वीडियो बनाने का मकसद समझ आएगा। कहा गया है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अतः वीडियो आप अवश्य पूरा देखें। अब आपका और ज्यादा कीमती वक्त न लेते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज एक खास दिन पर एक खास विषय है जिसे सभी बड़े प्यार से कहते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सर्वप्रथम आपको फ्रेंडशिप डे की ढेरों बधाइयां। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, यह सब सुनकर हमें अपने अपने दोस्तों के चेहरे तुरंत याद आ जाते हैं और हम अपने दोस्तों को याद कर लेते हैं। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए व वक्त जरूरत पर मुसीबत में खड़ा नजर आए, ये नहीं कि अच्छे वक्त में तो साथ रहे व मुसीबत आते ही भाग जाए। यदि आपका कोई अच्छा दोस्त बन जाए या मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। यह एक ईश्वरीय चमत्कार होता है कि आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, अतः अपने दोस्त की इज्जत करनी चाहिए तथा उसकी भावना का ख्याल रखना चाहिए। कभी भी दोस्त की बुराई नहीं करनी चाहिए। यदि दोस्त में कोई कमी हो तो उसको उसके सामने ना कहकर अकेले में ले जाकर समझाना चाहिए। दोस्ती कभी भी जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब देखकर नहीं की जाती है। दोस्ती बस हो जाती है, कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो हम दोस्त बन चुके होते हैं। तो फिर दोस्त एक दूसरे पर हक जमाने लगते हैं और दोनों में कभी कभी तनातनी भी हो जाती है। अतः तनातनी जोर जबरदस्ती से बचकर अपने दोस्ती को कायम रखनी चाहिए। दोस्ती को मापने का कोई पैमाना नहीं होता है, इसी कारण दोस्ती हमेशा समान विचारों में जल्दी हो जाती है। मेरा पहला वीडियो इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप विषय पर था, परंतु यह मैंने दो सच्चे दोस्तों के बारे में व प्यार करने वालों के लिए बनाया है। मैंने जो वीडियो बनाया था वो भी आप जरूर देखना। अब मैं आपको एक ऐसी दोस्ती के बारे में वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप दोस्ती के सही मायने समझ सकेंगे। जब एक लड़का एक दिन 12th पास करके कॉलेज में जाता है तो वह पहले दिन ही भौचक्का सा रह जाता है कि चारों तरफ नए नए चेहरे, नए नए लड़के लड़कियां, क्या इनमें कोई मेरा दोस्त बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, यही वह सोचता रहता है। दो चार दिनों के बाद उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है और वह उसके आचार विचारों को समझने वाली थी। यही कारण था कि वह लड़का उसकी तरफ आकर्षित हुआ और उसने उस लड़की को अपना दोस्त बनाने का सोचा। लड़की को भी वो लड़का पसंद आने लगा था, तभी उस लड़की ने भी उससे दोस्ती करने की सोची। दोनों की सोच व विचार समान होने के कारण उन दोनों ने दोस्त बनने की सोची व उनकी जिंदगी में एक बेहतरीन दोस्त मिल गया था। पढ़ाई के साथ साथ उनकी दोस्ती भी परवान चढ़ रही थी। गहरी दोस्ती कभी कभी प्यार का रूप भी बदल लेती है और बस अब यही होने वाला था। और फिर उनकी धीरे धीरे मुलाकातें शुरू हो गईं। कभी वो गार्डन में मिलते, कभी लॉन्ग ड्राइव में चले जाते, कभी बीच के किनारे घूमने चले जाते, तो कभी नदी किनारे आदि आदि जगहों पर वो मिलते थे। एक दिन जब वो दोनों लॉन्ग ड्राइव में जा रहे थे, प्यार में खोए हुए थे, हाथों में हाथ लिए हुए थे, भविष्य के सपने देख रहे थे, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे, प्यार के लहों में खोए हुए थे कि अचानक एक मोड़ पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों घायल हो जाते। दोनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। लड़की को ज्यादा चोट आई हुई होती है तथा लड़के को थोड़ा कम चोट आई हुई होती है। लड़की का अंदर ऑपरेशन हो रहा है और वो जिंदगी की और मौत के बीच जूझ रही है, और लड़का बाहर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है कि कैसे हमने अपने साथ में जिंदगी बिताई थी, अब पता नहीं क्या होगा, ये जिंदा बचेगी या नहीं बचेगी, मेरा दोस्त मुझसे कहीं बिछड़ ना जाए, आदि आदि बुरे बुरे ख्यालात उसे आ रहे थे। हम कैसे एक दूसरे के साथ मिले, हम समुद्र में किनारे घूमने जाते थे,
गार्डन में पेड़ के नीचे घंटों बैठकर बातें करते थे। कभी कभी गार्डन में बैठकर लव में नाट करते हुए फूलों की पंखुड़ियां तोड़ते रहते थे। यदि पंखुड़ी बच जाती थी तो बड़ा खुश होता था, और यदि उसके फूल की पंखुड़ी बच जाती थी तो वो खुश हो जाती थी। यही क्रम चलता रहता था। हंसी खुशी हम एक दूसरे के साथ दिन बिता रहे थे। हमारा अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान होने के साथ साथ अपने कैरियर को लेकर भी चिंता थी। किसी बीच हम एक दूसरे के विचारों का मेल होने के कारण हम और करीब आ गए। पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ आगे की भी सोचने लगे। आगे जाकर अपना कैरियर बनाने के साथ साथ अपना जीवन भी साथ साथ गुजारेंगे। ये सोचकर हम दोनों ने अपने जीवन के कदमों को आगे बढ़ाया और अब लव यू आई लव यू की शुरुआत हो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन अचानक लड़के ने लड़की के आगे मैरिज का प्रपोजल रख दिया और उन्होंने एक दूसरे का प्रपोजल स्वीकार किया और अपनी अपनी पसंद की बातें एक दूसरे को बताई तथा तुरंत ही अपने संबंध को पक्का करने के लिए उन्होंने आगे का सोचा और उन्होंने अपने पसंद की अंगूठियां पसंद की और एक दूसरे को पहनाई और वो जिंदगी की एक सीढ़ी चढ़ गए। आगे जिंदगी में क्या होगा ये न सोचते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी शुरुआत कर दी थी और एक लॉन्ग ड्राइव में चल दिए थे। अचानक बीच में नर्स की आवाज आती है, एनीबॉडी समबॉडी कहते हुए आती है। लड़का चौंक कर उड़ जाता है और अपनी बीती जिंदगी के सपने से बाहर आता है और उस नर्स से पूछता है क्या बात है। नर्स कहती है अब लड़की की हालत बेहतर है, वह खतरे से बाहर है, आप उसे ले जा सकते हो। वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और घर चले जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने जाना कि इस कुछ घंटों की जुदाई में पता चला कि वो एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करते हैं तथा वह एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं और उन्होंने अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिताने की सोची। और एक हफ्ते के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और एक हैप्पी फ्रेंड को हैप्पी किया। यही ट्रू फ्रेंडशिप है, यानी जो दोस्त मुसीबत में साथ ना छोड़े वही सच्चा दोस्त होता है, चाहे वो दोस्त हो या होने वाला भावी जीवन साथी। अतः दोस्ती करो तो उसको पूरी तरह निभानी चाहिए। दोस्ती अजर अमर हो। दोस्ती से प्रेम बढ़ता है, दोस्ती से नफरत कम होती है, दोस्ती से नफरत नहीं होती है। एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, अतः दोस्ती करो और करने दो। दोस्ती अमर होती है। दोस्ती का मतलब हर हाल में साथ देना होता है। दोस्ती सूर्य की तरह गर्म व चांद की तरह सुंदर और शीतल होनी चाहिए। दोस्ती सूर्य की तरह अंधकार के समय प्रकाशवान व परेशानी व क्रोध में चंद्रमा की तरह शीतल होनी चाहिए। दोस्ती हमेशा के लिए हो, क्षणिक ना हो। दोस्त को छोड़ना मुश्किल होता है और बहुत कठिन होता है, अतः दोस्त को कभी ना छोड़ें। कई बार दोस्ती का अगला पड़ाव प्यार भी होता है, इसीलिए दुनिया में दोस्ती करो, प्यार बांटो, प्यार भरी दुनिया बसाओ और पूरी दुनिया को प्यार में डुबो दो। लोगों में शांति, प्यार और दोस्ती फैलाओ, यही सभी लोगों का मकसद होना चाहिए। दोस्ती होगी तो विश्व में शांति सद्भावना होगी, लोग प्यार से रहेंगे, लड़ाई झगड़े युद्ध गृह युद्ध जैसी घटनाएं नहीं होंगी। विश्व में सभी सुखी दोस्त बनकर रहें, विश्व में दोस्ती का प्रचार प्रसार हो, सभी सुखी संपन्न हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मेरे इस छोटे से प्रयास से यदि मैं विश्व में किसी एक को भी दोस्ती और प्यार का मतलब समझा सका व दो बिछड़े दोस्तों को मिला सका तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। सभी में दोस्ती हो, विश्व बैर मुक्त हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से समय निकालकर मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।